22 जुलाई को अराउंड 3:30 बजे पहला ईमेल आया जो जो बहुत ही यूजुअल लगा, जो बहुत ही नेचुरल लगा, जैसे हमें ब्रांड कोलैबोरेशंस के ईमेल आते हैं। सो हमारे मैनेजर ने मैसेज किया दैट वी हैव दिस न्यू ईमेल, न्यू इंक्वायरी फॉर द ब्रांड कोलैबोरेशन, एंड वी सिंपली चेक्ड इट एट द सेम टाइम ऑन अराउंड 3:30। लेकिन उस टाइम पे आई गेस वी वर डूइंग समथिंग, तो हमने तब नहीं किया। सो वो तभी इग्नोर हो गया, और शाम को 7:30 बजे हम लोग जब फ्री थे, जब हम लोग बैठे थे, हम लोग दोनों ही बैठे थे, मुझे अभी भी याद है। सो आई जस्ट ओपन की चलो चेक करते हैं कि क्या एग्जैक्टली। सो इट वॉज अबाउट अ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो कि पीसी के लिए था, एंड द कैंपेन वॉज वेरी डिटेल्ड कि कैंपेन ब्रीफ था। इट हैड ऑल द प्रोडक्ट के चीज़ें जो मेंशन करनी है, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट का एड्रेस, बैंक डिटेल, सब कुछ दे हैड गिवन। आई डोंट नो व्हाई बैंक डिटेल्स नो वन गिव्स इन द फर्स्ट ईमेल। सो इट वॉज देयर, तो एंड इट वॉज इंडियन, इट वॉज सपोज टू बी फ्रॉम लंडन। तो वो ओवरऑल डेकोरेशन बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो वी डिड नॉट सस्पेक्ट एनी। या मतलब जेन्युइनली कोई ब्रांड आता है, जिस तरीके से वो बात करते हैं बहुत प्रोफेशनल तरीके से, आज तक हमने जो भी ब्रांड कोलैबोरेशन किए हैं रात लाइफ के लिए या फिर अदर चैनल्स के लिए, उनका जो बात करने का तरीका है ये सिमिलर वे में वही था, वेरी प्रोफेशनल, वेरी इंफॉर्मेटिव। सो डाउट ऐसा नहीं कि डाउट इमिडिएटली था, लेकिन एक फीलिंग थी, एक फिशी वाली फीलिंग थी, बिकॉज पता नहीं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको आदमी इतने मतलब यू नो ये ब्रांड ऑफर कर रहा है, वो भी इंग्लैंड से, और वो भी ही इज़ ऑफरिंग यू अ बिग अमाउंट एंड इन दिस लॉकडाउन, सो हमें वो थोड़ा सा फिशी लगा। बट स्टिल हमने सोचा कि चलो बाद में बैठ के इस पर डिस्कस करते हैं, हमें कोई आइडिया नहीं था कि आगे क्या होने वाला था। सो या बट द ओनली इशू वॉज कि जैसे ही हमने वो देखा, सो वी डिड नॉट नो द एंटीवायरस का कंपनी, इट वॉज कॉल्ड टोटल एंटीवायरस सिक्योरिटी। सो देर इज अ वेरी सिमिलर नेम दैट इज देयर इन द मार्केट, तो वी थॉट कि वो वही होगा। सो दैट इज द रीजन वी ट्राइड कि हम लोग एक बार उनका वेबसाइट चेक कर, जी इट इज़ वेरी यू नो यूजुअल फॉर समवन टू चेक द वेबसाइट, ताकि हम लोग उनका जेन्युइनिटी चेक करें, ताकि हम लोग चेक करें कि वो असली है, उनका प्रोडक्ट सही है। सो वी आई सिंपली क्लिक्ड ऑन द वेबसाइट दैट टाइम बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड COVID-19, हम लोग फुल्ली फंक्शनल स्टाफ में काम नहीं कर रहे थे, तो आवर मैनेजर डिड नॉट चेक इट, आई चेक इट पर्सनली, दैट वॉज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड ये सब चीज़ें। तो जैसे ही क्लिक होता है वेबसाइट पे, देर इज़ अ वेरी डिसेंट वेबसाइट दैट ओपन्स अप, बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि वो एंटीवायरस की नहीं है। एंड जैसे ही ओपन हुआ तो एक हल्का सा पॉपअप आ गया, यू नो देर इज बहुत सारे आते हैं, जब भी हम लोग इवन इफ वी आर सर्फिंग यूजुअली ऑन द ब्राउजर देर आर फ्यू पॉपअप्स, तो वो पॉपअप आया एंड इट वैनिश्ड, सो इट डिड नॉट गिव एनी एडवर्टाइजमेंट और समथिंग लाइक दैट। सो दैट वॉज वेरी फिशी, दैट वॉज द फर्स्ट साइन जब मुझे लगा कि नहीं कुछ तो सच में गड़बड़ है। सो आई सिंपली स्क्रोल थ्रू इट एंड आई क्लोज इट डाउन। अभी द प्रॉब्लम वॉज ऑन द सेम ब्राउजर आर चैनल्स वर लॉग इन, बिकॉज दैट इज द मेन कंप्यूटर दैट वी यूज फॉर द अपलोड्स एंड फॉर द एडिट्स। सो ऑन द सेम लैपटॉप वी हैड ऑल आर यूट्यूब चैनल्स लिंक। सो उस दिन रात को आई डोंट नो कुछ भी ऐसा अदरवाइज हुआ हो जो फिशी हो, 22 की रात को शाम को हमने अराउंड 7:30-8 बजे ये चेक कर दिया होगा, उसके बाद नथिंग हैपेंड। सो हम लोग यूजुअल अपना रूटीन करके सो गए। मॉर्निंग में 11:30 आई स्टिल रिमेंबर वी वर डूइंग ब्रेकफास्ट एंड द फोन स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग कि शिट टंग 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 योर गूगल अकाउंट हैज़ बीन पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड, द रिकवरी ईमेल हैज़ बीन चेंज्ड, एंड नॉट जस्ट वन, ऑल थ्री अकाउंट्स एंड बैक टू बैक वी हैड फोर्थ अकाउंट लिंक्ड विद इट। सो चौथे अकाउंट का भी सब कुछ चेंज हो रहा है, इट वॉज वेरी फास्ट, लाइक इट वॉज विद इन अ मिनट एवरीथिंग वॉज गोइंग आउट 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 एंड आउट। And at the same time, I opened the laptop and tried accessing the YouTube. I tried logging into Gmail. और सब कुछ सब चीज़ों का access निकल गया। And it is very important for you to know कि हम लोग two factor authentication सारे channels पे करते हैं। See, it is now some people suggested कि आपने two factor किया था क्या? Are you did you put the mobile number on the Gmail? See, when you have such a big channel, you are always taking all the precautions possible. अगर हम लोगों को भी लॉग इन करना है कोई और कंप्यूटर से, कहीं और से, कहीं बाहर से, सो वी हैव टू फॉलो अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर
lot of you know checks and balances just to access our own account by one of us also. तो हम लोग ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई थर्ड पार्टी विदाउट गिविंग दी यू नो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वो इमीडिएटली लॉग इन हो जाए, दैट वाज़न्ट पॉसिबल। और अभी तक तो चीज़ ऐसी थी कि हमें कोई आइडिया नहीं था कि चैनल हैक हुआ तो कैसे हुआ, मतलब जिस तरीके से उन्होंने रात को बात की थी, इनफैक्ट इतनी तक बात हो गई थी कि येस गो थ्रू आर वेबसाइट एंड इफ यू ओके विद द प्रोडक्ट देन वी कैन प्रोसीड फर्दर एंड साइन द कॉन्ट्रैक्ट, ये नोट पे बात खत्म हुई और हम लोग सो गए। तो जब हम मॉर्निंग में उठे ना तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी, पता नहीं एग्जैक्टली कौन है, किसके पास इतना नॉलेज है जो इतना स्मार्टली वो क्या कहते हैं इतना टू स्टेप ऑथेंटिकेशन आया ना कुछ आया, बस फोन हाथ में फ़ोन लिया और ठक 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 तीनों चैनल 10 मिनट्स में तीनों चैनल हैक हो गए, कोई आइडिया नहीं था। इनफैक्ट मीन्स हम लोग पूरे ब्लैंक भी हो क्या रहा है, और वो जो टाइम की जो फीलिंग थी आई स्टिल रिमेम्बर, मेरे पैर कांप रहे थे कि ये हो क्या रहा है, मतलब गूगल रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा द वेरी वर्स्ट फीलिंग वी बोथ हैड दैट वी वर गेटिंग द मैसेज दैट वी कैन नॉट वेरीफाई दैट इट्स यू सो वी कैन नॉट लेट यू एक्सेस योर अकाउंट दैट वाज वेरी स्केरी आई मीन लाइक वेरी स्केरी ट्रस्ट मी गाइस कि लॉकडाउन एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें हम लोग काफ़ी उतार चढ़ाव से गए, कोरोना चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा, तो एक चीज़ जो थी यू नो है मतलब डांस वेट या फिर डांस ये हमें बांधे रखती है अपने पैशन के टूवर्ड्स, और वही चीज़ आप सोच लो 4 साल की मेहनत अगर ऐसे चली गई तो उस पोजिशन पे वी बोथ वर लाइक शिट इज दैट रियल, तो स्टिल लाइक यू नो इट वाज वेरी स्केरी वेरी स्केरी। सो ये 11:30 को मैसेजेस आते हैं, सो वी इमीडिएटली स्टार्टेड कॉलिंग अप द पीपल वी नो जो ये सब चीज़ें को यू नो टैकल कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, तो वी स्टार्टेड कॉलिंग अ लॉट ऑफ पीपल, उनके थ्रू हम लोगों ने इमीडिएटली कंसर्न्स रेज किए इनसाइड द गूगल एंड इनसाइड द यूट्यूब टीम ऑल्सो, एंड दे रिकॉग्नाइज इट, इट टुक सम टाइम बट बाय द टाइम इवनिंग केम अलोंग वी वर वेरी मच श्योर कि यूट्यूब और गूगल दोनों को पता था टीम्स को कि चैनल का हैकिंग हुआ है और हमारे पास एक्सेस नहीं, सो बाय इवनिंग एवरीथिंग वॉज दैट वे एंड वी वर अंडर इम्प्रेशन कि क्योंकि हम लोग लॉग इन नहीं कर पा रहे शायद ऐसा हो कि वो भी लॉग इन ना कर पा रहे, मतलब वंस वी माइंड द पर्सन हु हैक्ड इट वो अंदर जाके फिर बाहर आ गए हो और वो शायद अंदर ही ना जा पा रहे क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा था। इफ़ यू हैक समवन्स अकाउंट यू हैव टू डू समथिंग राइट, मतलब उससे कुछ तो करेंगे, सिर्फ हैक करके रख नहीं लेंगे, सो वी वर अंडर इम्प्रेशन कि कुछ तो होगा एंड कुछ तो हुआ। बट उसके पहले मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि जब ये चैनल हैक हुआ था और जब हमने ये इंस्टा पे बताया था तो कुछ ऐसे हमें कुछ अजीब से कमेंट्स आए थे, लाइक नॉट बहुत सारे बट हार्डली यू नो कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे कि ये पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है। तो यहाँ हम लोग एक चीज़ क्लियर करना चाहेंगे, चैनल हैक हुआ था सुबह 11:15 बजे, हमने आप लोगों को न्यूज़ दी रात को 9:30 बजे के बाद, तो ओवरऑल पूरे दिन में हम हमारे सोशल मीडिया फैंस पे कोई पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहते थे या कोई पब्लिसिटी नहीं क्रिएट करना चाहते थे जिससे हमें लोग कंसोल करें या सिंपथाइज करें या हमें फॉलो करें या कुछ नहीं, हमें बस उस दिन का इंतज़ार था कि चैनल वापस आते से ही हम लोग हमारे इंस्टा फैमिली को बताएंगे कि हमारे साथ हुआ क्या, तो हमारा प्लान ये था। और सुबह 11 बजे से रात को 9 बजे तक कुछ नहीं हुआ, तब तक हमने हमारे इंस्टा पे भी कुछ भी नहीं बताया कि एक्चुअली चैनल हम अकेले ही उससे लड़ रहे थे, हम इंस्टा पे जानबूझ के नॉर्मल स्टोरीज डाल रहे थे कि माहौल बना रहे चीज़ें ठीक हो, क्योंकि अब तक हमारे चैनल से भी कोई गलत मैसेज गया नहीं था, और फिर 9 बजे के बाद जो मैसेज गया वो तेजस आपको खुद ही बता देगा। सो अराउंड 9:30-10 आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट टाइम क्योंकि वी वर सपोज्ड टू हैव डिनर, और सडनली मुझे ही नोटिफिकेशन आता है क्योंकि मैं ही अपना सब्सक्राइबर, तो डांस विद लाइव इज गोइंग लाइव एंड वी वर लाइक शिट ये क्या, एंड सडनली क्लिक किया तो वहाँ पे इतना सोफिस्टिकेटेड वे में इट वाज लाइव, आर वीडियोस वर बीइंग प्लेड ऑन द लूप और पूरा ऐसा डेकोरेशन करके बिटकॉइंस वर बीइंग यू नो ऑफर्ड कि आप यू पे 3000 दिस 3000 दैट एंड यू विन दिस विन दैट एंड देयर वर सो मेनी पीपल कमेंटिंग, ऑफकोर्स कुछ उसमें से उनके टीम में से भी लग रहे थे क्योंकि बॉडी जैसा ही लग रहा था जो परफॉर्मेंस हो रहा था, लेकिन आई कुड फिगर आउट कि बहुत सारे लोग जेन्युइन भी थे, सो दे वर वेरी मच सरप्राइज कि डांस विद लाइव क्यों कर रहे हैं,
या फिर ये क्यों हो रहा है, या हमारा बिटकॉइन से क्या नाता है। एक्चुअली बिटकॉइन किसी को देते भी नहीं आएगा इंडिया में, वो थोड़ी फालतू सी चीज़ होगी, लेकिन वी वर वेरी मच इन द पैनिक कि ये एग्जैक्टली। एंड सी, इवन इफ वन पर्सन डज समथिंग विद द मनी, इफ द पर्सन हु इज अ हैकर एंड ही गेट्स द एक्सेस, तो वो पूरा का पूरा बैंक अकाउंट भी खाली कर सकता है। देन यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन देन टू यू नो होल्ड द पर्सन रिस्पॉन्सिबल हु ओन्स द चैनल, and we did not want that to happen, so we started calling up again, we started you know dialing calls and this. And like at that time like YouTube Google team like informed us that you please put the stories on your Insta and on your social media, that that's not, that the person who is doing live on Transit Live wo aap nahi ho, kyunki wo galat message pass ho raha hai, aur abhi time aa gaya hai ki aap सोशल मीडिया पे IGTV डालो, कुछ भी डालो, लेकिन लोगों को इन्फॉर्म करो कि प्लीज़ वहाँ पे जाके कुछ भी ऐसा ना करें, और पैसे ना यू नो दे उस आदमी को, वो तो बिटकॉइंस मांग रहा था वैसे भी, तो वो एक रीज़न था कि हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया उस टाइम पे अंडर अ पैनिक, क्योंकि हमारे कुछ फ्रेंड्स और एजेंसीज ने बोला, सो अंडर अ पैनिक वी अपलोडेड द वीडियोस कि दैट इज नॉट अस, एंड देन दैट क्रिएटेड द होल वाइब। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा वो कुछ बहुत लोगों तक पहुँचा था, इट वॉज वेरी डिसेंट रीच, क्योंकि ऑलरेडी रात हो चुकी थी एंड द पीपल हु आर वॉचिंग वर ऑलरेडी वॉचिंग, और फिर वी स्टार्टेड ट्राइंग कि वो वीडियो टेक डाउन हो जाए कुछ तो करके, वी आर कॉन्स्टेंटली कॉलिंग। आफ्टर आई गेस 45 मिनट्स ऑफ लाइव द वीडियो वॉज टेकन डाउन बाई यूट्यूब टीम, तो वो एक बार टेक डाउन होने के बाद वो वापस से लाइव गया with the same setup and then again it was taken down. Now it is very important ki live streaming karne ke liye jo setup ki zarurat hoti hai, jo spotting karne ke liye, jo commenting ke liye setup ki zarurat hoti hai, that is not a one man's game, there has to be a team, a setup, a full fledged office to operate in that scenario, and it wasn't you know a single person's job, I am very sure of that. या बिकॉज जहाँ तक हम लोग कॉमेंट्स भी देख रहे थे, जैसे मेरे कोई कजन्स है वो कॉमेंट्स देख रहे थे, तो उसमें छः सात नाम ऐसे थे जो नॉन स्टॉप रिपीट हो रहे थे कि वी हैव व्हाट यू से लाइक दिस मच मनी 5000 बिटकॉइंस इन दिस इन दैट एंड व्हाट नॉट, दे वर कमेंटिंग, 5-6 पीपल वर देयर हु वर कॉन्स्टेंटली यू नो पुलिंग द क्राउड कि ये करो वो करो ऑल दैट स्टफ, एंड दे एक्चुअली प्रिपेयर्ड अ वेबसाइट आल्सो like www.dancefit.event.something, so it was very scary कि कोई भी क्लिक करके वही देखेगा और फिर वो exact same scenario से जाएगा जिससे हम जाते, but thankfully around 12 से पहले ही वो दो बार video take down हो गया, और जैसे ही video take down हुआ we received a message and we did not give our personal numbers to the person, so I don't know how he or she got it. Of course, it's not a big deal क्योंकि ईमेल आई डी से उनके पास, सो मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज आता है दैट आई डिस्ट्रॉय यू इफ यू डोंट सेंड मी $500 विद इन 10 मिनट्स एंड आई शो यू द मैसेज ऑल्सो, एंड इट इज़ वेरी यू नो स्कैरी टू नो इफ आपके अराउंड कोई नहीं है, अगर आपको सही लोग गाइड नहीं कर रहे। द पर्सन वॉज वेरी श्योर, ही वॉज टेलिंग आई एम इन साइड योर बैंक अकाउंट, आई एम इन साइड योर personal photos, I'm inside of the whole computer system and I can destroy you, I can delete all the channels, and it is scary. It is scary. Because see, YouTube creating a channel is not just about the entity that channel is, it is about the family that we create, it is about the hard work that hum log jo 4 saal se kar rahe hain, so it becomes very difficult to tackle such a situation. Yeah. Or constantly messages kiya ja raha hai. But at the same time, we were speaking to Google team and cyber security people. Yeah. So they strictly told us ki koi bhi reply mat karo, na haan na nahi, kuch bhi nahi. So we abstained from doing it, and we were very sure kyunki it was a work laptop, so usme koi photos the hi nahi, ya fir kuch bhi bank account related usme transactions kabhi hui hi nahi, so it was basically for the videos and only videos. तो वैसा कुछ होने का कोई चांस था ही नहीं। Now in that the funny thing happened that he asked for $500. So overall you are doing so much of mehnat, you are taking down a 3 channels and उसके बदले में you are asking in Indian currency 35,000 rupees. It's like मैं हमारे आसपास के लोग वो इतने टेंशन के माहौल में भी हम लोग ठीक है सबकी लगी पड़ी थी वो टाइम पे, but still we started laughing कि for 35,000 you are actually doing this to us.
एंड जिस तरीके से वो बंदा लाइव गया था, जिस तरीके से उसने वो थंबनेल बनाया था, जो सेटअप बनाया था, वो इतना प्रोफेशनल लग रहा था। मैंने तेजस को बोला इसको पैसे चाहिए तो इसको काम पे रख लेते ना, थंबनेल बना देगा डांस फिट के तो 40,000 तो वैसे ही कमा लेगा मंथ का, इतना हैकिंग की क्या जरूरत है। सो बट लेटर वी अंडरस्टूड दिस थिंग दैट इफ यू ट्रांसफर दैट $500 टू हिम देन ही विल हैव आवर बैंक एक्सेस एंड ही कैन विथड्रॉ मनी व्हेनेवर ही वांट्स। सो दैट वाज अ पार्ट, दैट्स व्हाई ही वाज आस्किंग फॉर अ लेस मनी, कि हम लोग पैनिक में आके उसको $500 भेज दे, लेकिन उसके बदले में वो बैंक में जो भी है हमारे यू नो सेविंग्स एंड ऑल वो गायब हो जाए। तो ऐसा उसका प्लान था वो चीज़ों। और जिस तरीके से वो मैसेजेस कर रहा था लाइक आई हैव योर अकाउंट नाउ, डू यू अंडरस्टैंड हु आई एम नाउ, आई विल डिस्ट्रॉय यू, आई यू इडियट, यू नॉट रिप्लाइंग मैसेज, यू नो वो जिस तरीके से बोल रहा था, इट वाज काइंड ऑफ स्केरी एंड वी वर स्केयर्ड ओनली फॉर आवर चैनल, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, बट वी वर स्केयर्ड फॉर आवर चैनल कि ये गुस्सा हो गए कुछ कर ना दे, नई चैनल डिलीट कर दे, यू नो उस बात में हम लोग काफ़ी डरे। बट थैंकफुली डांस विद लाइव से उसका एक्सेस निकाल लिया गया मेरे ख्याल से यूट्यूब के थ्रू, एंड इट वॉज अराउंड मिडनाइट बाय दैट टाइम, सो वी हैड टू गो टू द पुलिस स्टेशन टू द कंप्लेंट्स एंड ऑल। सो आफ्टर दैट द पर्सन वेंट लाइव फ्रॉम द अदर चैनल, दैट इज तेजस, दिस चैनल दैट इज तेजस एंड हिस्ट्री, और उस पर भी सेम खेल, सेम चीज़ें, सेम सब कुछ, देन अगेन वी टोल्ड देम वी सेंड द लिंक एंड दे अगेन टुक इट डाउन। नाउ थर्ड चैनल से उसको जाने नहीं दिया, उसके पहले ही हम लोगों ने स्ट्रीट वाला जो चैनल है सो उस चैनल से उसको लाइव जाने से पहले ही उसका एक्सेस ले लिया गया था। सो अराउंड 2:33 इन द मॉर्निंग हम लोगों ने ये सब झमेला ख़त्म किया एंड वी एक्चुअली वर सेटिस्फाइड कि वो अभी तीनों अकाउंट से बाहर है, अभी कम से कम वो लाइव नहीं जा पाएगा, बट एट द सेम टाइम हमारा भी एक्सेस पूरी तरह से जा चुका था। ना उसके बाद नेक्स्ट दिन से शुरुआत हुई सारे क्लीनिंग अप की, क्या एग्जैक्टली हुआ है, कैसे हुआ है, एंड यूट्यूब टीम वॉज डूइंग देयर जॉब, दे वर वेरी सपोर्टिव, इवन यूट्यूब इवन गूगल बोथ ऑफ देम वर वेरी वेरी सपोर्टिव, एंड टू पीपल आई स्पेशली वॉन्ट टू टेक द नेम्स, फर्स्ट इज जनक भाई, ही इज़ फ्रॉम हाई फाई डिजिटल, एंड सेकेंड इज गौतम भाई, ही इज़ फ्रॉम मैड इन्फ्लुएंस, सो बोथ ऑफ देम हेल्प्ड अस वेरी मच। उन दोनों के बिना शायद इतना जल्दी चीज़ें कभी नहीं हो पाए, सो वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। एंड इस सब गड़बड़ के साथ फिर दूसरे दिन से जो ऑकवर्ड साइलेंस है वो शुरू होता है, एंड देन इट वेंट ऑन फॉर एटलीस्ट 8 to 10 days कि हम लोगों का चैनल ही वापस नहीं आ रहा था, ये गड़बड़ हो रहा है, वो गड़बड़ हो रहा है, वी वर मेलिंग इट, रिप्लाइंग टू ईमेल्स, शोइंग देम द प्रूफ्स, और फिर फाइनली 10th-11th day पे वी गॉट आवर फर्स्ट चैनल बैक, दैट वॉज स्ट्रीट्स चैनल। Yeah. Then we got Tejas and Ishpreet, this channel, and then at the last, after around 15-17 days, we got Dance with Life. Exactly. And it was a very, see, when the channel is with you and you are not uploading, it's still fine. But जब channel का access ही नहीं होता ना, it is more like कि आपको किसी ने घर के बाहर बंद कर दिया, आप घर को देख सकते हो, आप YouTube पे अपना channel देख सकते हो, लेकिन ना upload कर सकते हो, ना उसके लिए कुछ कर सकते हो, ना story डाल सकते हो। मतलब simple language में कि आपके घर में चोरी हो रही है और आप घर के बाहर खड़े होकर देख रहे हो, चाहते भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, सो वो फीलिंग थी। और चैनल आ भी गया वापस, लेकिन एक हफ्ता उस पर हम लोग कोई वीडियोस नहीं डाल पा रहे थे। और एक ड्रॉबैक और हो गया था हमारे साथ कि जब वो बंदा लाइव गया था डांसविट लाइव चैनल से, तो जैसे कि तेजस ने मेंशन किया कि दो बार उसने लाइव जाने की कोशिश की और दो बार यूट्यूब टीम ने, गूगल टीम ने वो लाइव नीचे खींचने की कोशिश की, तो उससे भी चैनल को बहुत कम्युनिटी स्ट्राइक आ गया चैनल पे वगैरह वगैरह। बट वी आर इन द प्रोसेस, वी आर स्टिल इन द प्रोसेस टू सॉर्ट इट आउट, वी आर स्टिल ट्राइंग टू मेक श्योर कि हर वो चीज़ जो उन दिनों में हो गई हो उसको प्रॉपरली सॉर्ट आउट करके विल मूव ऑन। बट दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी शेयर्ड, क्योंकि ये किसी के भी साथ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एवरी वन हैज़ टू बी केयरलेस फॉर यू नो एक्सेसिंग अ वेबसाइट और समथिंग। वी हैव स्पोकन टू पीपल हु आर वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री एंड दे आर ऑलवेज टेलिंग अस कि ये सब रैंडमली पिक नहीं होता है, दिस इज नॉट अ फिशिंग अटैक लाइक एवरी वन वॉज टेलिंग अस कि, बट दे वर वेरी मच श्योर कि हम लोग कब होंगे, कैसे होंगे, दे डिड द सोशल इंजीनियरिंग ऑन अस, दे एग्जैक्टली न्यू कि कौन देखेगा, कौन से लैपटॉप से चेक होता है IP addresses and all, and we could not find anyone, I don't think किसी ने कोशिश भी की हो। एंड जो थंबनेल उन्होंने जो बनाया था, जो डांस विद लाइफ के लाइफ के टाइम पर जो थंबनेल बनाया था, उसमें जो थंबनेल में जो पिक्चर है, आप समझ लो वो पिक्चर मैंने आज मॉर्निंग को अपलोड की थी इंस्टा पे, मतलब चैनल हैक हो चुका था उस दिन मॉर्निंग में।
अपलोड की थी या फिर उसके एक दिन पहले, और वही पिक्चर उसने मेरे इंस्टा से उठा के, लेटेस्ट पिक्चर उठा के वो उसे थंबनेल में ऐड की, सेम विद पेजेस। तो जो उसको हमारे इंस्टा भी पता थे, और अगर हमारे लैपटॉप में हमारे इंस्टा अगर लॉग इन होते तो हमारा इंस्टा भी चला गया था। अब समझ लो इतना, मतलब जो भी था वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ तो जो भी लैपटॉप में जो भी इंफॉर्मेशन थी वो पूरी उस बंदे के पास चली गई। सो वी जस्ट वांट टू टेल यू प्लीज टेक केयर, ऐसी चीजें कभी भी कहीं भी हो सकती है, एंड इट इज वेरी अनफॉर्चूनेट टू हैपन टू एनीवन। एंड इट हैपेंड इमीडिएटली, इट स्टार्टेड विद अस, लाइक YouTube हैकिंग, जहाँ तक यू नो बड़े चैनल्स है, तो इट स्टार्टेड विद अस, देन लेटर इट हैपेंड टू लाइक टू बिग क्रिएटर्स जिनसे पर्सनली यू नो एक से तो हमारी बात भी हुई थी, तो उनका भी सिमिलर वे में हुआ एग्जैक्टली, यू नो कॉल आता है ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए, एंटीवायरस, दे ओनली क्लिक द वेबसाइट, दे डोंट इवन यू नो क्लिक ऑन द प्रोडक्ट, दे ओनली क्लिक द वेबसाइट एंड देन द मैलवेयर इज इंस्टॉल्ड। सो इट वॉज दैट स्केयरी। एंड लेटेस्ट न्यूज आई वांट टू टेल यू गाइस, दैट डे बिफोर यस्टरडे आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम वन ऑफ माय एजेंसी कि उनकी फ्रेंड का इंस्टाग्राम हैक हुआ है, और उन्होंने मुझे वो मैसेजेस भेजे, और वो मैसेजेस एग्जैक्टली सेम मैसेजेस है जो हमें आए थे, एंड द नंबर वाज लाइक +173 और समथिंग लाइक दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम। सो दिस इज हैपनिंग एंड इट मे हैपन टू यू गाइस इफ यू हैव बिग अकाउंट्स, प्लीज टेक केयर, बिकॉज जैसे ही हमारा यूट्यूब वो हैक करने में नाकाम रहे, वी गॉट अ मैसेज ऑन इंस्टा ऑल्सो दैट योर इंस्टा विल बी डिलीटेड इन नेक्स्ट 24 आवर्स। वी गॉट दिस मैसेज, बट हमारे साथ ऑलरेडी इतना बड़ा हो चुका था, तो मैसेज को हमने क्लिक भी नहीं किया, ऊपर से पढ़ा और बाय बाय, होगा तो हम देख लेंगे, यू डोंट वरी अबाउट इट। बट आई जस्ट वांट टू से कि बी श्योर दैट यू जस्ट डोंट गो अहेड एंड लाइक यू नो ये चीज़ों पे अगर आपको ऐसे कोई मैसेजेस आते भी है तो अवॉइड प्लीज। एंड एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि उस ड्यूरेशन में काफ़ी सारे लोगों ने हम लोगों को मैसेजेस किए थे, काफ़ी सारे लोगों ने हेल्प करने की कोशिश की थी, यू नो कुछ लोग एडवोकेट, कुछ लोग साइबर सेल से थे, जो फैंस भी है उन्होंने काफ़ी सारे हमें एडवाइस देने की कोशिश की, तो बहुत लेट हो गया थैंक यू बोलने के लिए, शायद आप लोगों को बुरा भी लगा होगा, बट ट्रस्ट मी एक टाइम पे इतने सारे लोगों को मैसेजेस करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो हमने तभी डिसाइड किया था कि हम लोग इस पर ब्लॉग बनाएंगे, और ये ब्लॉग आपको चैनल के हैकिंग के बारे में बताना था, लेकिन उस टाइम पे जो वेल विशर्स हमारे साथ खड़े थे उसके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि चैनल हैक हुआ है ये हमारी फैमिली को 12 घंटे तक कोई आइडिया नहीं था, अनटिल एंड अनलेस वो बंदा रात को लाइव गया, और जब तेजस को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा रात को 12:30 बजे जस्ट टू बी अश्योर कि पुलिस कंप्लेंट फाइल हो, कल को अगर कुछ इंक्वायरी होती है तो हमारे पास कॉन्फर्मेशन हो, तब तेजस के डैड उसके साथ गए थे रात को, थैंकफुल टू हिम आल्सो। सो तब हमारे फैमिली को, तेजस के डैड को थोड़ा सा आइडिया हुआ था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो फिशी है, तो ये हम हमारे दो मेंबर्स रमेश, मैं, तेजस, हम लोग ही डील कर रहे थे इन सब चीज़ से। एंड अगेन आई रियली वांट टू थैंक जनक भाई एंड गौतम, लाइक यू नो आप लोग की वजह से काफ़ी सपोर्ट मिला, नहीं तो पता नहीं क्या होता उस दिन, वेरी स्केयर्ड, वेरी स्केयर्ड। सो दैट्स इट एंड कीप वॉचिंग, अभी और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, अभी हैक नहीं होगा, अभी बिटकॉइन मत देना किसी को, पेटीएम भी मत करना, कुछ भी मत करना, पैसे ही मत दो। और आप इस चैनल पे कौन से वीडियोस देखना चाहते हो, आप अगर ब्लॉग्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और हमें बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से चीज़ें शेयर करना, हम लोगों को बताना, सो लेट अस नो व्हाट एग्जैक्टली यू गाइस वांट एंड वी आर देयर फॉर यू। सो बाय गाइस, बिटकॉइन है किसी पास? ये बिटकॉइन था ना, डॉलर एक टाइम हो सकता है, अरे वो डब्बे में बिटकॉइन नहीं है, बिटकॉइन नहीं, दिखाना दिखाना, वो लेना वो डब्बा तेरे पास है क्या, पर्स में बिटकॉइन पड़े नहीं? हां बिटकॉइन होते हैं, बिटकॉइन दो, ये लो बिटकॉइन दो सबको, अरे ये तो मेरे डॉग का खाना।